नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के किताबी मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं सर्वभाषा ट्रस्ट के उपक्रम सर्वभाषा प्रकाशन की ओर से मिली हुई पुस्तकों की जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको प्रकाशक विशेष से बुक कैफे के एक दिन एक किताब में चर्चा के लिए मिली पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना है, ताकि आपको यह पता चल सके कि किस प्रकाशक विशेष ने कौन सी पुस्तकें हमें भेजी है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ पुस्तकों की चर्चा आप एक दिन एक किताब में सुन सके। जो पुस्तकें हमें सर्वभाषा प्रकाशन ने भेजी हैं इस सप्ताह, उनमें बूढ़े मांझी का देश चंद्र गुरुंग की यह पुस्तक है। चंद्र गुरुंग नेपाली कवि हैं। एक और पुस्तक हमें मिली है जिसका नाम है पत्र दीप, हरे राम त्रिपाठी चेतन की यह पुस्तक है। नाम से ही जाहिर है कि इसमें पत्रों की बात की गई है। भाव बारिश में झरते हैं शब्द, ये राजकुमार कुंभज की पुस्तक है जो हमें प्राप्त हुई है। यह एक कविता संग्रह है। इसके अलावा हाइकू आकाश के छोटे छोटे चांद, ये डॉक्टर अनीता कपूर की पुस्तक है जिसका अनुवाद तुकाराम पुंडलिक खिल्लारे ने किया है। इसके अलावा रत्ना पांडे की पुस्तक चुनौतियां अभी भी हैं बाकी, यह हमें प्राप्त हुई है। यह भी एक दोहा शैली में लिखा हुआ कविता संग्रह है। और आखिरी पुस्तक जो इस सप्ताह हमें सर्वभाषा प्रकाशन से मिली है, उसका नाम है डुमराव नामा, मार्कंडे शारदेय की यह पुस्तक है जो डुमराव को लेकर, उसके इतिहास और संस्कृति को लेकर, उसके भूगोल को लेकर, वहाँ पर सृजित रचनाओं को लेकर लिखी गई पुस्तक है। आने वाले समय में हो सकता है इन्हीं पुस्तकों में से आप कुछ पुस्तकों के बारे में जानें। इस कार्यक्रम में आपको पुस्तकों की जानकारी देने का आशय यह भी है कि आप पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। पुस्तकें न केवल आपका ज्ञान वर्धन करती हैं, बल्कि आपको देश दुनिया की सैर कराती हैं और आपको प्रबुद्ध करने के साथ साथ आपका मनोरंजन करती हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय भी हमें अवगत कराते रहें। हर शनिवार और रविवार को मैं इस समय, ठीक इस समय, आपको पुस्तकों की जानकारी देता हूं। सोमवार से शनिवार तक एक दिन एक किताब में शाम के 4 बजे पुस्तकों की चर्चा करता हूं। शुक्रवार को कविता संग्रहों की बात करता हूं। और हर रविवार आपके किसी प्रिय लेखक से उनकी किसी चर्चित कृति पर या उनके समस्त रचनाक्रम पर, उनके जीवन क्रम पर बात करता हूँ। बुक कैफे को देखते रहें, हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी जानकारी से अवगत कराते रहें, अपने सुझावों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।